तो आज दिन भर सियासी हलचल किस तरह से राजनीतिक दलों के खेमों में रही, सिंहासन का संग्राम, ये हमारा बुलेटिन विशेष जो आपको बताएगा कि आखिर आज न सिर्फ कैलाश मेघवाल को लेकर क्यों सियासी गलियारों में खूब सारी बातें कही गई जब कैलाश मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद कांग्रेस की क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और बाकी राजनीतिक दलों की क्या हलचलें हैं। तो देखते हैं दिन भर की सियासी हलचल का प्रोग्राम सिंहासन का संग्राम। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा बवाल हो गया है। बीजेपी ने अपने वरिष्ठ सदस्य और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। कैलाश मेघवाल बीते काफी समय से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर हमलावर हो रहे थे, आरोप लगा रहे थे, और आज एक बार फिर से मीडिया के सामने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर उन्होंने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए, और उसी दौरान पार्टी में गुटबाजी के आरोप भी लगाए गए, और फिर खबर यह आई कि कैलाश मेघवाल को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। वसुंधरा का सिपाही, बीजेपी का बागी, मेघवाल वर्सेस मेघवाल की लड़ाई अब करप्शन गुटबाजी पर आई। कैलाश बनाम अर्जुन राम, कैलाश पर गिरी गाज, कैलाश मेघवाल बीजेपी से निलंबित। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने आज फिर से अर्जुन राम मेघवाल पर बड़ा हमला बोला, साथ ही राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में गुटबाजी होने का दावा किया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर सार्वजनिक मंच से आरोप लगाने वाले कैलाश मेघवाल को पार्टी ने उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा था। 27 अगस्त को प्रेस वार्ता की, अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट हैं, इन्हें हटाना चाहिए। इसके बाद भाजपा प्रदेश की ओर से उन्हें 4 सितंबर को नोटिस दिया गया। कैलाश मेघवाल ने कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री को और यहां के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को उन्होंने अपना जवाब भेज दिया है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि अधिकारी रहते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ करोड़ों के भ्रष्टाचार की कई शिकायतें थी, तब भी उनके प्रमोशन को रोकने की मांग की गई थी। कैलाश मेघवाल का आरोप था कि अर्जुन राम मेघवाल चुनाव के दौरान पैसे लेकर टिकट दिलाने के कामकाज में शामिल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल पर यह भी आरोप लगाए गए कि चुनाव लड़ने के दौरान जो एफिडेविट दिया जाता है उसमें अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारियां गलत दी हैं। जो एफिडेविट पेश किया गया वो भी गलत है और झूठे हैं। इनका मंत्री पद तो जाएगा ही, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। कैलाश मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिखा है कि जब तक इनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि जब तक इन मुकदमों का और जो न्यायालय में विचाराधीन है उनका नहीं हो जाए फैसला, तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी सही निर्णय लेंगे। जब कैलाश मेघवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब खबर आई कि उन्हें पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इस पर कैलाश मेघवाल ने कहा कि वो कभी हीरो थे जिन्हें आज जीरो लाइन पर लाकर छोड़ दिया है। मैं कभी इस पार्टी में हीरो था और हीरो से आज मैं जीरो हूँ। पार्टी में सीनियर लीडर की अनदेखी के आरोप लगाए, कहा मेरी पार्टी के लोग अर्जुन राम मेघवाल की तुलना भीमराव अंबेडकर से कर रहे हैं, ये केवल उन्हें महिमा मंडित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि राजनीति में सक्रिय हूँ और सक्रिय रहूंगा। उनका लंबा राजनीतिक सफर है और उनके सफर को अनदेखा किया जा रहा है, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है, वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश हुई है। वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के, अब खास वसुंधरा जी क्या निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री रहेंगे। दूसरा गुट कौन सा? दूसरी ओर मामले में प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कैलाश मेघवाल के निलंबन पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पहले मामले की पूरी जानकारी लेंगे उसके बाद इस विषय पर बात करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी भाई साहब एक आ रहा है, कारवा बढ़ता जा रहा है, मोबाइल पीछे का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आप पीछे हो जाए। कल्याणकारी योजना जो देश दुनिया में आज सर्वोच्च पर पहुंच रहा है।
आया उन सबको देखते हुए आज सब लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक ठीक रहते हो पिछले से थोड़ा नहीं। हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश की मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पर नोटिस दिया गया था उनको कारण बताओ नोटिस, उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। मेघवाल के निलंबन की खबर आते ही सियासत गर्मा गई है, लेकिन कोई भी नेता इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। प्रदेश में बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए अलग अलग क्षेत्र में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालकर जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ आमेट विधानसभा सीट के एक दर्जन बड़े बीजेपी नेताओं ने विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आलाकमान को चेहरा बदलने की चेतावनी दी है। तो उधर विधायक राठौड़ ने कहा कि राजनीति में कोई किसी को नहीं मारता, हर व्यक्ति अपने कर्मों से मरता है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश में चुनावी रणभेरी बजने के साथ ही शह और मात का खेल शुरू हो गया है। ऐसे में अब नए राजनीतिक समीकरण बनने लगे हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ आमेट सीट पर। भाजपा के करीब एक दर्जन वरिष्ठ नेताओं ने विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आलाकमान से चेहरा बदलने की मांग की है। दबी आवाज में कार्यकर्ताओं ने ऐसा नहीं होने पर इसका परिणाम भी भुगतने की चेतावनी दी है। विभिन्न राजनीतिक और पार्टी के पदों पर काबिज रहे इन नेताओं ने विधायक राठौड़ पर कार्यकर्ताओं को यूज एंड थ्रो करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक की जमीन अब हिल चुकी है, ऐसे में किसी नए चेहरे को कमल का निशान देकर मैदान में उतरना चाहिए, तभी पार्टी की जीत होगी। मंगलवार को कीतेला के पास परिवर्तन यात्रा में हुए हंगामे के बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। जिस प्रकार अपन परिवार के लोग अपने ही बच्चे अपने ही परिवार को छोड़ देते हैं तो वो परिवार का मुखिया गौण हो जाता है। यही कारण है कि उन्होंने कार्यकर्ता को छोड़ा है, कार्यकर्ता ने उनको नहीं छोड़ा है। खूब नाराजगी होकर और टिकट मल उसको दे दिया तो हजारों वोटों से हारेगा, वो टिकट दूसरों को दो, दूसरों 50,000 वोटों को जीत के बताएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे, लेकिन जनता ये चाहती है कि भाई मतलब बदलाव चाहिए और वो अगर किस रूप में लेगी वो जनता जाने है। ये उनकी सदैव से आदत रही है, तरणों से लेकर अभी तक जो भी उनके साथ रहा है 5 साल, अगले 5 साल वो उनके साथ नहीं रहता है और क्षेत्र में कोई काम नहीं, विकास नहीं, जो घोषणाएं करते हैं वो थोती घोषणाएं करते हैं। कुंभलगढ़ सीट से 4 बार विधायक और करीब 30 साल का राजनीतिक अनुभव रखने वाले विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि लोकतंत्र में सभी को टिकट मांगने का अधिकार है, पार्टी जिसे उचित समझेगी उसे प्रत्याशी बनाएगी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है टिकट मांग सकता है और टिकट मांगने का अधिकार है, सबको मांगना चाहिए। पार्टी जिसको उचित समझेगी उसको टिकट देगी। मैं भी अब तो उम्मीदवार हूँ, यदि पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। करीब 30 साल के राजनीतिक जीवन में विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ को इतने उग्र विरोध का सामना कभी नहीं करना पड़ा जैसा मंगलवार को परिवर्तन यात्रा के दौरान देश और प्रदेश भाजपा के बड़े नेताओं के सामने घटित हुआ। प्रदेश में भाजपा की ओर से निकाली जा रही इस परिवर्तन संकल्प यात्रा का राजसमंद जिले के कीतेला में टिकट परिवर्तन की मांग को लेकर विरोध हुआ। कुंभलगढ़ सीट से लगातार भाजपा के एक दर्जन से अधिक नेता अब टिकट परिवर्तन की मांग को लेकर मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि यह विरोध भी फिलहाल विधायक तक सीमित है, कहीं ऐसा न हो कि पार्टी देर कर दे और यह विरोध पार्टी तक पहुंच जाए। हालांकि सूत्रों की अगर माने तो अगर विधायक को टिकट मिलने की स्थिति में वहां एक पार्टी का बागी प्रत्याशी खड़ा होकर पार्टी प्रत्याशी के सामने ही ताल ठोक सकता है। अलका सनाट, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा ने भीलवाड़ा जिले के आसींद में प्रवेश किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भीलवाड़ा जिले के आसींद पहुंचे, यहां उनका भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, वहीं उन्होंने प्रियंका गांधी के राजस्थान दौरे पर कटाक्ष भी किया। प्रदेश
भाजपा की परिवर्तन यात्रा निकल रही है, आसिंद पहुंची है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह यात्रा में पहुंचे हैं, पत्रकारों से भी रूबरू हैं, आइए इनसे बात करते हैं। परिवर्तन यात्रा निकल रही है, राजस्थान की जनता की नब्ज टटोली जा रही, क्या सामने आ रहा है? देखिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और मुझे दीवार पर लिखा हुआ दिखाई देता है कि प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, राजस्थान की जनता इस वर्तमान की नकारा निकम्मा अराजक सरकार से परेशान है और बदलाव की नहीं संपूर्ण बदलाव की प्रतीक्षा कर रही है। जो 2013 में जिस तरह से राजस्थान की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया था, मुझे लगता है कि अब की बार उससे भी आगे बढ़ करके एक नया इतिहास बनने वाला है। कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराई भी दिख रही है, लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उनके साथ अत्याचार भी किया जाता है, जला भी दिया जाता है, कोठड़ी कांड हुआ, एक महिला का और दुष्कर्म किया गया, उसको भी जला दिया गया। मुझे तो कानून व्यवस्था राजस्थान में कहीं दिखाई नहीं देती, कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है, कानून का डर समाप्त हो गया है, पूरे आम जन बहुत डरा हुआ है और अपराधी बेखौफ होकर के राजस्थान में, अब कल्पना कीजिए जहां कांग्रेस की राजकुमारी आने वाली थी उससे महज 3 किलोमीटर दूर, जब मुख्यमंत्री पहले दिन खुद वहां पर राजकुमारी जी की को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी मिजाज पुरसी करने के लिए वहां जब व्यवस्थाओं को देख रहे थे, तब वहां एक महिला की हत्याकारित करके, रेप करके, हत्याकारित करके और लाश को अर्धनग्न अवस्था में 3 किलोमीटर दूर पटक दिया गया और सरकार पूरी तरह से उसको दबाने में लगी थी। जब इस तरह के कृत्य होते हैं तब अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की प्राथमिकता केवल और केवल कुर्सी पर चिपके रहना है, सरकार की प्राथमिकता जो है वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। पेट्रोल डीजल को लेकर आज पूरे राजस्थान में पेट्रोल संचालक जो है वो हड़ताल पे हैं, लगातार बंद रखा जा रहा है। आज देश के मासिक महंगाई के आंकड़े अगस्त माह के प्रकाशित हुए हैं और एक बार फिर राजस्थान ने कीर्तिमान बनाया है। देश में सर्वाधिक महंगाई अगर किसी प्रदेश में है वो राजस्थान में है, 8.6% का आंकड़ा राजस्थान का है, जो देश के एवरेज से, नेशनल एवरेज से 2% ज़्यादा है। अगर राजस्थान अपने जो है इन्फ्लेशन इंडेक्स को काबू कर दे, महंगाई दर को काबू करे, वैट में कमी करे। संकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस तरह से जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं उसी के बदौलत अब राजस्थान में एक बार फिर 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार रिपीट करने जा रही है, यह दावा है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह का। अखिलेश प्रताप सिंह आज एक दिवसीय प्रवास पर अजमेर पहुंचे। गहलोत साहब के पास एक वो विजन है जिसमें हर क्षेत्र में उन्होंने देखा समझा और उसके लिए योजनाएं लाई, ऐसी ऐसी विलक्षण योजनाएं जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 25 लाख स्वास्थ्य की, शिक्षा की, चिकित्सा की, बिजली की, एजुकेशन की, महिलाओं के लिए, नौकरी के लिए, नौजवानों के लिए, हर क्षेत्र में। जयपुर में भाजपा मुख्यालय में आज 16 लोगों ने भाजपा ज्वाइन की। भाजपा में लगातार ज्वाइनिंग का दौर जारी है। आज ज्वाइनिंग में कई पुराने नेताओं ने घर वापसी की तो कई ब्यूरोक्रेट्स ने भाजपा ज्वाइन की। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मौजूद रहे और आज हुई घर वापसी में डूंगरगढ़ से 3 बार विधायक रहे कृष्णा राम नाई की घर वापसी हुई है। कृष्णा राम नाई ने 2018 में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी छोड़ दी थी। उन्होंने चुनावों में सीपीएम के गिरधारी लाल मोहिया का समर्थन किया था और आज उन्होंने वापस बीजेपी ज्वाइन कर ली। वहीं आज आईपीएस पंकज चौधरी की पत्नी मुकुल चौधरी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। देखिए भारतीय जनता पार्टी का भाई साहब एक आ रहा है, कार्रवाई बढ़ता जा रहा है, मोबाइल पीछे है, विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीछे हो गया है। कल्याणकारी योजना जो देश दुनिया में आज सर्वोच्च पर पहुंच रहा है उन सबको देखते हुए आज सब लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी जी एक ठीक नेतृत्व से खड़ा नहीं।
विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कमेटी ने आज घंटों चिंतन किया। हरीश चौधरी की अध्यक्षता में नेताओं ने सरकार रिपीट करने के लिए शुरुआती रणनीति पर चर्चा की। कमेटी के चेयरमैन हरीश चौधरी ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार फिर से बनने जा रही है। कमेटी ने कांग्रेस के साथ किसी भी पार्टी के गठबंधन का विरोध किया है। समाज सही इस तरह का नहीं है क्या? जो गांव में करना होता है वो कुडाल में थोड़ी करते हैं। कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार के सौदेबाजी की राजनीति के अंदर देश में शामिल नहीं हुई। सुपारी देने की राजनीति में कांग्रेस पार्टी नहीं करी। ये भारतीय जनता पार्टी की तौर तरीके हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो स्थितियां उन्होंने पैदा करी, आज मणिपुर चल किस लिए रहा, किन किन ताकतों के साथ उन्होंने समझौता करा, ये गठबंधन गठजोड़ सुपारी ये कांग्रेस की राजनीति के अंदर, कांग्रेस के संगठन के अंदर, कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में इस तरह की सोच का कोई स्थान ही नहीं है। मैं माफी चाहता हूं कि ये कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के सामने सवाल ये बिल्कुल, क्योंकि उनके जहन में इस तरह की चीजें है ही नहीं। ये और किसी स्कूल से सिखाई जाती है, समझाई जाती है, हम जिस स्कूल के छात्र हैं कांग्रेस के, उसके अंदर इस तरह की चीजें का कोई सवाल हम लोगों के जहन के अंदर रहता ही। क्या लगता है राजस्थान का माहौल, क्या आप सरकार बनाने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पूरी की पूरी आज हमारे स्टेयरिंग कमेटी का स्वर समिति से हमारी सोच है कि बहुत बेहतरीन योजनाएं रही हैं, बहुत बेहतरीन हम लोगों के विकास के कार्य हुए, कोई तुलना ही नहीं कर सकते। पिछले 5 साल केंद्र सरकार के लगातार अन्याय के बावजूद इस राजस्थान को जिस गति से जिस जगह हम लोगों ने पहुंचाया वो अकल्पनीय है। कोई आधार नहीं है जिसके कारण हम लोग वापस रिपीट नहीं करें। ये आज जो हमारे स्ट्रैटेजी कमेटी है इसके अंदर इस संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा नहीं, अगले दफे हम लोग वापस व्यक्तिगत तौर पर हरीश चौधरी आज अब आप लोगों के बीच में यहाँ खड़ा हुआ तो उस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर मैं खड़ा हूँ, तो जहाँ जो चर्चा हुई इसके संदर्भ में मैं आपसे बात कर सकता। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा आज टोंक जिले के उनियारा पहुंची। यहां किरोड़ीलाल मीणा ने गहलोत सरकार पर और सीधा उन पर गिन गिन कर हमला किया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए किरोड़ीलाल ने कहा कि 15 दिन बाद जल जीवन में भ्रष्टाचार करने वाले मंत्री अधिकारी जेल में होंगे। किरोड़ीलाल मीणा ने लाल डायरी भर्ती घोटाले पर बोलते हुए सचिन पायलट को भी आड़े हाथों लिया। वो अशोक गहलोत सबसे हाथ मिलाना चाहता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अब आंधी चालू हो गई है। वैसे ही देश के जितने भी भ्रष्टाचारी उन्होंने एक दल बना लिया INDIA। पहले क्या था? UPA। वो UPA क्या था? वो टीजी घोटाले करने वाला था। वो गेम्स में घोटाला किया, उन्होंने पनडुब्बी में घोटाला किया, नकली दवाएं बेची, रेल के डब्बे में घोटाला किया। सिंहासन का संग्राम में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।